हेलो एवरीवन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ बिल्डिंग एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बनाते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं उनके एथिक्स को स्ट्रांग बनाने में सबसे पहला पॉइंट है कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि एथिकल बिहेवियर हो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने लेवल पे ही कुछ ऐसे एग्जांपल्स सेट करने चाहिए जिससे कि जो इम्प्लॉयिज़ हैं वो इन्फ्लुएंस हो एथिकली बिहेव करने के लिए और जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट लीडर्स होते हैं सो इट्स ईजी टू स्प्रेड इट टू एम्प्लॉयस एंड एक एथिक्स कमिटी भी सेटअप की जा सकती है टू सी द प्रोग्रेस इन एथिक्स प्रोग्राम यानी कि उस कमेटी में ये ध्यान दिया जाएगा जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट की लीडर्स हैं यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जो हमारे गाइड करने वाले हैं जो हमें वो एथिकली बिहेव करना सिखा रहे हैं तो वो इम्प्लॉयज़ कितने अच्छे से सीख रहे हैं और क्या उसमें प्रोग्रेस हो रहा है सेकेंड पॉइंट इज़ कोड ऑफ एथिक्स एथिकल कंडक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए उनको इंक्रेज करने के लिए अमंग इम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को कोड ऑफ एथिक्स फ्रेम करने चाहिए ये कोड ऑफ एथिक्स वेरी करते हैं इन क्वालिटी एंड सब्सटेंस इसमें सेट ऑफ़ रूल्स होते हैं लिस्ट होती है डूज एंड डोंट्स की कोड ऑफ़ एथिक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक वैल्यूज एंड एथिकल रूल्स होते हैं अब एक लिस्ट ऑफ व्हाट इज़ रॉन्ग एंड राइट कैन नॉट एक्सेलरेट योर बिहेवियर सो दे शुड इंक्लूड सर्टेन मैनेजीरियल एंड एम्प्लॉय गाइडलाइंस फॉर मेकिंग एथिकल डिसीजंस, जो कि लोगों को अच्छे से समझ आए और उन्हें ईजी भी लगे थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेटिंग एथिक्स एक प्रॉपर वेल डिजाइंड कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए होता है टू इंस्टीट्यूट एंड प्रमोट एथिक्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है बट वो क्या होनी चाहिए फ्रिकुंट होनी चाहिए कम्युनिकेशन फॉर कोड ऑफ एथिक्स रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एयर सो दैट इम्प्लॉयज से फीडबैक लिया जा सके सुपरवाइजर्स अपने इम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं टू कम्युनिकेट और डिस्कस एथिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज। अगला पॉइंट है एथिक्स ट्रेनिंग एथिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि कम्युनिकेशन अलोन कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यूज इन टू द प्रैक्टिस कई बार इम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के बारे में सब कुछ जानते हैं बट दे माइट बी एक्चुअली अनअवेयर ऑफ द एथिकल प्रोसेस इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंस वाइल मेकिंग दी डिसीजन्स तो क्या है एथिकल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लॉइज़ को ताकि वो समझ सके कि कि किस तरह से जो एथिक्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और वो अपना योगदान दे सके एक ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने में फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है एस्टेबलिशमेंट ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन अब क्या करती है कि एक कमिटी बनाती है जिसमें कि वो देखती है कि रूल्स ऑफ कंडक्ट स्टैंडर्ड्स या जो भी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं वो अच्छे से फॉलो करी जा रही हैं या नहीं कमिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सब के हेड्स होते हैं उसमें एंड जो थर्ड पर्सन होता है ना वो आउटसाइड होता है ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन और वो कौन होता है दैट इज़ दी चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी को बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि ध्यान रखा जा सके कि जो भी एथिक्स कंपनी ने डेवलप किए हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं और अगर इम्प्लॉइज़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उनको कोई दिक्कत लग रही है किसी एथिक्स को समझने में तो वहाँ पे उनकी हेल्प करी जाती है थ्रू दैट कमेटी तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सिर्फ पाँच पॉइंट्स करे नेक्स्ट वीडियो में हम और पॉइंट्स करेंगे इसी टॉपिक के अंडर मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स आज हमने करें वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें थैंक यू